मुझे ठंडे मौसम में मार्केट जाना है। हल्की हल्की उड़ रही है ना, हवा चल रही है उड़ रही है बारिश। तो दोस्तों पहले तो आप सभी लोगों को मेरे प्यार और प्रणाम, स्वागत करती हूँ मैं आरती रावत आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में और अपनी मध्यशर घाटी में। अपनी मध्यशर घाटी के सुंदर से बर्फीले पहाड़ों में बाहर का मौसम दिखाती हूँ आपको। इतनी बर्फबारी चल रही है आज और बारिश तो हो रही है आज, मतलब इस साल की पहली बारिश है ये। और अभी बाहर का मौसम दिखाऊंगी आपको कि किस तरह यहाँ बर्फबारी हो रही है और मौसम चारों ओर कैसा है। तो फिलहाल उससे पहले मिलवाती हूँ अपने घर के मेंबर से। तो यहाँ पे मेरी मम्मी जी, हेलो मम्मा, यहाँ पे मेरी नानी जी और यहाँ पर मेरी दीदी भी आ रखी है। तो यहाँ पर ये हमारा चूल्हा है, अगीठी नहीं है, और ये हम ये डिक्चा है और ये कंटर है और ये हमारा डुगू है। हमारा डुगू देखो बारिश में भीग भीग के कैसे हो रखा है, इसीलिए मैंने इस पे ये रफ किया हुआ है कपड़ा। डुगू हेलो करोगे। और यहाँ पर ये मेरी मम्मी जी ने आज गुलतिया बनाया है, हलवा बोलते हैं इसे, गुलतिया हमारी भाषा में बोलते हैं, जो कि पानी का बना हुआ है ना। हाँ तो ये पानी का बनाया है, गुलतिया, हरी सब्जी और चाय, और नानी लोगों ने खा लिया, दीदी ने भी खा लिया, पर मेरा डुगू और मैंने नहीं खाया है। डुगू नहीं खाया ना डुगू। तो मैं आपको बाहर का मौसम दिखा देती हूँ दोस्तों। चारों तरफ बारिश का मौसम, इस साइड देखो ना बर्फबारी हो रही है। ये क्या है यहाँ, क्या बोलते हैं यहाँ का गांव, सलिया तुलंगा। हाँ सलिया तुलंगा है साइड पे, ऊपर ऊपर ना वहाँ बर्फबारी हो रही है। और मध्यशर में भी बर्फबारी हो रही है, मध्यशर घाट में तो आज फुल बर्फबारी हो रही है, यहाँ तक हो रही है। मध्यशर में तो बहुत ज्यादा वहाँ बर्फ पड़ी होगी, केदारनाथ में तो पड़ती है। तो ये देख लो यहाँ पे, और हमारे यहाँ बर्फ नहीं पड़ती है, पर यहाँ जो है ना क्या बोलते हैं बारिश बहुत हो रही है, रात ही से बारिश हो रही है। और अभी मुझे ना मार्केट भी जाना है, और आज इस ठंडे में मार्केट में देखते हैं, अब जाना तो है ही। तो अभी टाइम हो गया, मुझे रेडी होना है, और मौसम इतना ठंडा है कि आज सब अगीठी पे, सब चूल्हे पे बैठे रहेंगे आज सपने के लिए। तो मिलती हूँ मैं आपको बाद में। मौसम की बात की जाए तो मौसम देख सकते हो आप कितना ठंडा है। और यहाँ ऊपर पेंच गांव में भी, पेंच के ऊपर गांव में भी हल्की हल्की बर्फबारी हुई है टॉप में। तो यहाँ नीचे तक तो बर्फबारी नहीं हुई है, यहाँ नीचे मार्केट तक तो हो भी जाती है फिर भी। और इस साइड सलिया तुलंगा में देख सकते हो, वहाँ भी बर्फबारी चल रही है, काफ़ी अच्छी बर्फबारी वहाँ भी हुई है। और चोपता घाटी तो ऑलवेज वहाँ तो बर्फबारी होती रहेगी। और ये सामने देख लो मध्यशर घाटी में भी काफ़ी बर्फ पड़ी है। तो कितना ठंडा मौसम है आज का आप देख सकते हो, और मुझे ठंडे मौसम में मार्केट आना है, अगीठी में नहीं बैठूंगी मैं चक्कर में। तो दोस्तों मैं आपको देखती हूँ उससे आगे क्या क्या कैप्चर होता है, तो ब्लॉग में बनी रहिए, मुझे भी यही पता होता कि बर्फ ब्लॉग क्या बनने वाला है आप। और ये देख लो बाय बाय करते हैं, बाय मैं जिंदगी, बाय, ठीक है, बाय बाय बाय। तो अभी दोस्तों मौसम इतना ठंडा है ना, बारिश रुक ही नहीं रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, क्या बोल रहा है। ये देख लो सामने कितनी बर्फबारी है, अभी भी बारिश हो रही है, हल्की हल्की उड़ रही है ना, हवा चल रही है इसलिए उड़ रही है बारिश। और ये देख लो सामने केदार घाटी कितनी ढक चुकी है। ये भैजी आग जला, ठीक है जलाते हैं, जलाते हैं कहाँ पे जलाते हैं, आगे मुझे ले चाहिए कोची, हाँ अभी जलाऊंगे जो आगे मुझे ले चाहिए कोची, बुझी बुझी। तो यहाँ पे मैं आई थी भाई से मिलने के लिए, आग जलाने के लिए, देखते हैं अगर आग चलाते हैं तो आज जल्दी घर निकलेंगे फिर। मैं जी तो मुझे जल्दी निकलना है बहुत, मैंने इसको ना छोड़ दिया, तो बाद में मिलते हैं आपको। तो अभी दोस्तों
से रात हो जाएगी। तो यही लाइफ चल रही है आजकल, ज़्यादा कुछ अच्छा सा है नहीं, पर हो जाएगा। तो इतनी ज़्यादा मैं आपको जो की प्लेस दिखाती हूँ जो नहीं देख पाते हैं, मतलब मतलब यहाँ के मुझे तो देखती थी, पर मैं बताती हूँ कि हाँ कैसी बर्फ पड़ रही है और क्या क्या हाल है। और हमारे यहाँ पे कुछ ठंडी हवा हो रही है, तो आज पहली बर्फ पड़ चुकी है। देखो मौसम, देखो क्या हो रखा है, देखो मौसम चारों तरफ। तो ना ना साइड तो मस्त मार के बंद हो रहा है, वहाँ तो ज़्यादा बर्फबारी हो रही है। तो अभी घर में निकलती हूँ, मिलते हैं। तो ये दोस्तों ये जो वीडियो है ना, ये है बदानी ताल की, और बदानी ताल जो पड़ता है वो मयाली में पड़ता है, जखोली साइड पड़ता है। तो वहाँ भी इतनी अच्छी बर्फबारी हो रही है। यहाँ बदानी ताल जो है, यहाँ रंग बिरंगी मछलियों के लिए ताल प्रसिद्ध है। और देख सकते हो यहाँ चारों ओर कितनी ज़्यादा बर्फबारी हो रही है। और अभी जो दोस्तों ये वीडियो आपको दिखाई दे रही है, ये है कार्तिक स्वामी की। कार्तिक स्वामी जहाँ की भगवान कार्तिकेय का एक मंदिर है, जहाँ कार्तिक भगवान जी तपस्या करने के लिए गए थे। तो यह मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है, और यहाँ भी देख सकते हो कितनी ज़्यादा बर्फबारी पड़ी है। यह चंदनगर साइड है। और अभी दोस्तों ये रही हमारी चुपता की वादियाँ। चुपता की वादियाँ, ये चुपता दिखाई दे रहा है यहाँ से ऊपर सोमनाथ के, तो क्या हाल होंगे जब चुपता के ऐसे हाल हैं। तो इतनी ज़्यादा बर्फबारी चुपता में पड़ रही है, काफ़ी अच्छी मतलब तो बहुत ही अच्छा मौसम यहाँ का हो रखा है। और ये वीडियो पहाड़ों के बीचों की है। तो दोस्तों आजकल पहाड़ों का जो मौसम है काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही बर्फबारियों से ढक चुका है, और काफ़ी ठंड का यहाँ मौसम हो चुका है। तो ये साल की एक पहली ऐसी बर्फबारी थी जो आज शुरू हो चुकी है। अब देखते हैं कब तक, मतलब अब काफ़ी दिन तक बर्फ़ पड़ती रहेगी। तो काफ़ी सुंदर मौसम पहाड़ों के बीच हो चुका है। तो बने रहिएगा हमारे साथ में ब्लॉग में, इस पहाड़ों के नज़ारे देखने के लिए, इन ठंडी ठंडी हवाओं के लिए। और दोस्तों अभी जो आप ये वीडियो देख रही है, वीडियो में जो मेरे पापा जी ने भेजी है, मेरे पापा जी भी टूर पे हैं, तो उन्हें भी ऐसे मौसम देखने के लिए मिल रहे हैं। तो पापा जी ने जब वीडियो भेजी थी तो मैंने भी, मुझे भी लगा कि आपको बता देती हूँ। मैंने ये नहीं पूछा ये वीडियो कहाँ की, पर यहाँ की वादियाँ भी देख सकते हो कितना ठंडा मौसम है, सड़कें कैसी है। तो पहाड़ों में हो चुके हैं इस बर्फबारी का मौसम शुरू। तो दोस्तों रात का टाइम हो चुका है, और आज मेरी मम्मी लोग अगीठी से मतलब चूल्हे से अंदर जा ही नहीं रहे, आग तापने पे लगे रहे। इतनी ठंड हो रही है, इतनी बर्फबारी हो रही है, तापने रहे, सेक रहे हैं। और ते सेक रहे हैं। दीदी नीचे बैठो, दीदी नीचे बैठो। तो ऐसे ही करते हैं ये दीदी लोग। और मेरा छिट्टू बच्चा छोना, क्या हुआ, नींदू आ रही मामा? बोले तो यहाँ पे मम्मी क्या कर रही है, घी पिघला रही है। मामा क्या कर रहे हो?